लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले समाजवादी पार्टी में प्रत्याशी बदलने का दौर चल रहा है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार समाजवादी पार्टी ने मेरठ से भानु प्रताप का टिकट काट दिया है। सूत्रों का दावा है कि मेरठ से सपा प्रत्याशी भानु प्रताप सिंह का टिकट कट गया है। लखनऊ में अखिलेश यादव की बैठक में टिकट काटने की घोषणा हुई। सूत्रों के अनुसार अखिलेश यादव ने कहा, आप सही से चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, क्या किसी दूसरे को लड़ा दूं? इस बात पर भानु प्रताप सिंह खामोश हो गए। इसके बाद अखिलेश ने कहा, अब मैं डिसाइड करूंगा कि मेरठ से कौन लड़ेगा। सूत्रों के अनुसार सपा दलित कोटे से उम्मीदवार उतार सकती है। पिछले दिनों अखिलेश यादव ने भानु प्रताप को मेरठ से कैंडिडेट घोषित किया था। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक भानु प्रताप सिंह को लेकर स्थानीय सपा नेताओं में नाराजगी थी, क्योंकि भानु प्रताप सिंह मेरठ के रहने वाले नहीं हैं और उनका स्थानीय नेटवर्क भी मजबूत नहीं था। सूत्रों के मुताबिक स्थानीय सपा नेताओं के बीच आपसी कलह ने भी भानु प्रताप सिंह का टिकट काटने में बड़ी भूमिका निभाई है। भानु मूल रूप से बुलंदशहर के निवासी हैं और दिल्ली में रहकर सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। भानु प्रताप सिंह राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी नाम से अपनी पार्टी चलाते हैं और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने अखिलेश यादव का समर्थन करने का ऐलान किया था। अखिलेश ने उन्हें मेरठ से टिकट देकर सभी को चौंका दिया था। भानु प्रताप सिंह की छवि एक एक्टिविस्ट की है और वो जनहित से जुड़े मसलों को लेकर मुखर रहते हैं। अपनी स्वयं की राजनीतिक पार्टी चलाने वाले भानु प्रताप 2017 में अपने जिले की विधानसभा सीट सिकंदराबाद से चुनाव लड़ चुके हैं। ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ अभियान चलाते हैं। वो पिछले कुछ समय से ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। अब देखना ये होगा कि मेरठ में एडवोकेट भानु प्रताप सिंह का टिकट काटने के बाद अखिलेश यादव किस पर भरोसा दिखाते हैं। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव दलित कोटे से किसी कैंडिडेट को मेरठ से उतार सकते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा किया गया है कि अखिलेश यादव सरधना सीट से सपा विधायक अतुल प्रधान को लोकसभा चुनाव लड़वा सकते हैं। बताया जा रहा है कि जल्द ही कैंडिडेट का ऐलान हो जाएगा। अखिलेश के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके बताएं। वीडियो को शेयर करें और द न्यूज बीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है YesB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।